maths.com. Let's start with question number 13 of exercise number 4.1. The given equation is x square minus x minus 1806. इसके फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस 1806 है इसको हम इक्वेशन के इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1806 इधर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल यानी कि ये यहाँ पर जो एक्स है ये माइनस में है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का लगेगा। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इस फार्मूला की मदद से इस स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, देखें ये है ए, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, देखें ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया एक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए, ए हमारे पास है एक्स, ए ये एक्स है और बी, अब हम बी क्या लें कि यहाँ पे माइनस एक्स आ जाए, तो बी हम लेते हैं 1/2, यानी एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स है और बन गया है 2x, यानी 2a तक 2x बन गया। तो अब बी हम क्या लें, बी हमें 1/2 लेना पड़ेगा क्योंकि 2 और 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास माइनस एक्स ही रह जाएगा, तो इसलिए हमने बी 1/2 लिया। तो अब इसके साथ यहाँ पे है बी स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस है, और अगर हम इसे 1/2 का स्क्वायर हम एड अप कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर ही हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। देखिए हमारी इक्वेशन जो है वो यहीं तक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तक, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स तक। तो इसके साथ हमें अगर हम कुछ यहाँ पे ऐड कर रहे हैं स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, एंड द होल इज इक्वल टू 1806। अब ये फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसको हम कंट्रैक्ट करके स्क्वीज करके स्क्वायर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये ए माइनस बी का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1/2 होल का स्क्वायर माइनस 1/4, ये माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1806। ये माइनस 1/4 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके प्लस 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया तो ये 4 आ गया, यहाँ 4 1806 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7224 प्लस 1, ये आ जाएगा 7225/4। अब ये जो 7224 है ये बेसिकली 85 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 85/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड पर यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गए इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास बाकी यहाँ पे x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 85/2। अब ये इसको हम एक दफ़ा 85/2 को प्लस करके और एक 85/2 को माइनस करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 85/2 और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 85/2। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 85/2, ये माइनस 1/2 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो ये प्लस 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया, यहाँ 2 आ गया, ये 85 प्लस 1 इज इक्वल टू 86/2 और x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 43। यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 85/2, ये माइनस इक्वल साइन के इस साइड पर आया तो प्लस 1/2 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आया तो ये 2 आ गया, यहाँ पे माइनस 85 प्लस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 84/2, 2 और 84 कैंसिल आउट हुए तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 42 आ जाएगी। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस 42 और एक प्लस 43, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया।
और x क्योंकि एक वेरिएबल था और इसी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना था, सो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ मैथ.com।